है विष्णु पद का देवघाट, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आज आप कहाँ का सैर करने वाले हैं। साथ ही फल्गु नदी में बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट रबर डैम का निर्माण हो रहा है, जिसको मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो गाइस लेट्स गो अहेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं आज आपको एक ऐसे जगह पे आपको घुमाने वाला हूँ जिसको विष्णु पद का देवघाट कहते हैं। और गाइस आप देख रहे होंगे पूरा इधर का नज़ारा, मैं फल्गु नदी में हूँ, इसको निरंजना नदी भी कहते हैं। और गाइस इस नदी पर बिहार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है जो रबर डैम बनने वाला, आप देख रहे होंगे गाइस बहुत तेजी से काम लगा हुआ है, जो मैं आपको पूरा सीन दिखाने वाला हूं। और बिहार का ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो रबर डैम होगा और इस फल्गु नदी पर बनेगा। गाइस कहा जाता है कि फल्गु नदी पर एक सीता माँ का दिया हुआ श्राप है, श्राप द्वापर युग में दिया गया था, लेकिन कलयुग में ये नदी श्राप मुक्त होने वाली है। इस पर जब रबर का डैम बन जाएगा तो सालों भर लगभग 3 फीट पानी हमेशा रहेगा। और गाइस कहा जाता है कि फल्गु नदी का जो श्राप है वह फल्गु नदी श्राप से मुक्त होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, मैं पूरा यहां का लोकेशन दिखाने वाला हूं, काम दिखाने वाला हूं और इसके विषय में आपको डिटेल बताऊंगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं और आगे का पूरा आपको सीन दिखाते हैं। फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2020 में ही 23 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ऑनलाइन किया गया था, जिस पर आप देख रहे हैं काम स्टार्ट हो चुका है। यह रबर डैम विष्णु पद यानी देवघाट और सीताकुंड के समीप बन रहा है। यह रबर डैम बन जाने से पितृपक्ष में और सालों भर आने वाले पिंडदानियों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए पानी मिलेगा। रबर डैम बन जाने से फल्गु नदी में सालों भर 3 फीट पानी रहेगा। कहा जाता है कि सीता माँ के श्राप के कारण फल्गु नदी सूख जाती है, जिससे फल्गु नदी को मुक्ति मिलने वाली है। पिंडदानियों को अपने पितरों के लिए पानी मिलने वाला है और गया शहर वासियों के लिए पीने के लिए पानी मिलने वाला है, क्योंकि रबर डैम बन जाने से जलस्तर में काफ़ी सुधार होने की संभावना है। यह रबर डैम 277 करोड़ की लागत से बनने वाला बिहार का पहला और देश का दूसरा रबर डैम होगा। पर्यटन के दृष्टि से भी यह प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में लोग यहां देखने और घूमने आएंगे, जिससे पर्यटन का एक केंद्र स्थापित हो सकेगा और इससे रोजगार के साथ साथ सरकार की आमदनी भी बढ़ने वाली है। इस डैम के ऊपर स्टील ब्रिज का भी निर्माण होना है, साथ ही सीताकुंड के छोर पर रिवर फ्रंट का भी विकास किया जाना है, जिससे भ्रमण का एक केंद्र बिंदु भी बनने वाला है। इस डैम के बन जाने से आप विष्णु पद से सीताकुंड जाने के लिए पूरे शहर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, बल्कि आप 10 मिनट में चहलकदमी करते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक आप आ जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस डैम को देखने आना चाहते हैं तो मैं आपको रूट चार्ट समझा देता हूं। अगर आप रेलवे स्टेशन की ओर से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से ग्वालबीघा मोड़ और ग्वालबीघा मोड़ से विष्णु पद के रास्ते आप आ सकते हैं। यदि आप फ्लाइट मार्ग से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से सिकड़िया मोड़ भाया ग्वालबीघा मोड़ और फिर ग्वालबीघा मोड़ से आप विष्णु पद के रास्ते आ सकते हैं। दोनों ही ओर से आने में आपको तकरीबन 1 घंटे का समय लग सकता है। और यदि आप बोधगया या राजगीर की ओर से आना चाहते हैं तो सीधे सीताकुंड तक पहुँचें, यह सबसे सरल मार्ग है। गाइस आप ये देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें इस कार्य को करने में लगी हुई है और ये कार्य बहुत तेज गति से प्रगति पर है। और जैसा कि जो यहाँ के कार्य करने वाले जो इंजीनियर लोग हैं, जिन्होंने बताया कि लगभग 2 से 3 साल इस कार्य को पूरा करने में लगेंगे।
फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको रेड कलर से सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे का सीन दिखाते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं गाइस, ये विष्णु पद है और इधर आप ठीक सामने देखेंगे सीता कुंड है। ये दोनों छोर के बीच में ये फल्गु नदी है, जिसको निरंजना नदी भी कहते हैं, और इसी नदी में ये रबर डैम बन रहा है।